कि जो प्रेस वार्ता थी हमारी आज की प्रेस वार्ता में हम लोगों के कुछ डिमांड्स थे। हमारी मेन जो डिमांड थी वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हम लोग स्वागत कर रहे हैं। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लिए है हम लोग, लेकिन उसमें हमारी एक डिमांड है कि कम से कम 35% रिजर्वेशन हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, यूथ के लिए रखनी चाहिए। साथ में जो हमारा 65% बड़े बिग हाउसेज, जो बिजनेस बिग हाउसेज आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन उसमें भी हमारे को कम से कम 10-20% उन सब हाउसेज में रिजर्वेशन होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए, उनके रोजगार के लिए। कल को ऐसा ना हो जाए कि हमारे यहाँ से GST भी 5 साल का फ्री जा रहा है, हमारे यहाँ से टैक्सेशन भी फ्री जाएगा, बिजली में भी कम से कम कटौती हो जाएगी उनको, और लास्ट में जम्मू कश्मीर को, यूटी को अगर कुछ भी नहीं मिला, हमारे 4.5-5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, अगर हमें उनको कुछ नहीं मिला है तो फिर क्या बेनिफिट है इन सब इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, LG साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, इसमें जम्मू कश्मीर के युवाओं को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, और इन्वॉल्व तभी होगी जब वहाँ रिजर्वेशन होगी। दूसरी बात है जो हमारा आज बहुत दिनों से हमारे जो डेली वेजर्स है वो बेचारे सड़कों पर बैठे हैं, 5-5 साल के, 8 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 15 साल से जो डेली वेजर्स है, वो डेली वेजर्स की बेचारों की सबसे बड़ी दिक्कत और प्रॉब्लम ये है कि 4,500 पर वो अपने घर को चलाते हैं। पहले जब वो ज्वाइन जब उन्होंने किया था 10-15 साल पहले, तो वो अपने उस टाइम बच्चे थे, आज वो बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, लेकिन वो वही 4,500-5,000 से बाहर नहीं आ रहे। हम LG साहब से गुजारिश करना चाहते हैं उस पर एक प्रॉपर पॉलिसी क्रिएट की जाए जिससे उनको रोजगार मिले। तीसरी बात है जो कश्मीरी पंडित बरादरी है हमारी, उनकी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन होना बहुत जरूरी है। 31 साल हो गए इस गवर्नमेंट से, बहुत एक्सपेक्टेशन है कश्मीरी पंडित बरादरी को, हम चाहते हैं कि उसमें प्रॉपर रिहेबिलिटेशन हो जाए, जिस रिहेबिलिटेशन प्रोसेस से कम उनको भी लगे कि उनके लिए भी कुछ है, क्योंकि आप बहुत 31 साल के बाद भी आज कहीं पर भी पता नहीं लग रहा क्या कुछ रिहेबिलिटेशन पॉलिसी स्टार्ट की गई है, जो 4-5-6 हज़ार एम्प्लॉयज हैं उनके लिए की गई है। क्या ये रिहेबिलिटेशन खाली 6,000 के लिए है या पूरे 4 लाख कश्मीरी पंडितों के लिए है, इसमें हमें ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से क्लियरिफिकेशन चाहता हूँ कि वो वहाँ से अपना उसमें क्लियर करें, जिससे बड़ा कन्फ्यूजन हो गया कम्युनिटी में जब रिसेंटली ऑनरेबल होम मिनिस्टर के माध्यम से पार्लियामेंट में एक मैसेज आ गई। पांचवी बात है, हमारा जो वुमेन्स विंग थी पिछले 15-20 दिन पहले हम लोगों ने डिजॉल्व की थी जम्मू प्रोविंस की, जिसमें कहीं पर कुछ काम ठीक से नहीं हो रहा था, तो मैं हमारी जो छोटी बहन है अनीता चांदपुरी, जो उसकी स्टेट प्रेसिडेंट है, आज उन्होंने सभी वुमेन्स के साथ में फिर से पार्टी में वुमेन्स विंग के सभी हमारी नई महिलाओं ने ज्वाइन किया, हम उन सभी महिलाओं का स्वागत कर रहे हैं, सभी माँ इनकी बेटियों का, बहनों का स्वागत कर रहे हैं, और चाहते हैं कि वो ग्राउंड जीरो पर महिलाओं के लिए, जो भी यूटी में महिलाओं के लिए दिक्कतें हैं, काम करने की जरूरत है, उस पर काम करें।